अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह पर्पज़ ऑफ लाइफ की टीम पहले दिन से सैलाब मुतासरीन और बारिश मुतासरीन की खिदमत के अंदर ग्राउंड पर मसरूफ अमल है और ये खिदमत का तसलसल के साथ सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब मुतासरीन को जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको मकामी तौर पर देख कर उनको मुहैया की जा रही है। बारिशों के बाद एक बहुत बड़ा सिलसिला जो लोगों के लिए परेशानी का बायस बना है वो ये है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मच्छर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में मलेरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलने भी शुरू हो गई है, जो कि यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी और मसले का बायस बन चुका है। उसी वजह से पर्पज़ ऑफ लाइफ की टीम ने फौरी तौर पर इन लोगों के मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियों का इंतज़ाम किया है, ताकि उन लोगों को 1000 खानदानों को इब्तदाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मच्छरदानियाँ मुहैया की जा रही है, जिसके लिए पर्पज़ ऑफ लाइफ की टीम ने ऐसी बस्तियाँ जिन्होंने जो सैलाब ज़दा इलाके थे वहाँ से वहाँ पर ज़मीन के तंग होने की वजह से वहाँ से नकल मकानी करके बिल्कुल ऐसे एरियाज का रुख किया है जहाँ जो कि रेगिस्तानी इलाके है वहाँ पर वो रह रहे हैं और वहाँ पे वहाँ तक पहुँचना इनके ही मुश्किल है। आम तौर पे जो टीमी है वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो पर्पज़ ऑफ लाइफ की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच कर उन मुश्किल इलाकों में उन लोगों के घर घर जाकर उनको जो है मच्छरदानियाँ तकसीम की है, ताकि उन लोगों के लिए एक आसानी हो। अल्लाह ताला उन हज़रात को ज़्यादा खैर अता फरमाए जिन्होंने ताउन किया, उनके ताउन को कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकती अता फरमाए। सैलाब मुतासरीन अब भी बहुत बड़ी तादाद में आपकी और हमारी हम सब की मदद के मुंतज़र आई और आगे बढ़ी, हम मिलजुल कर उनके साथ इस दुखे वक्त में ताउन करें ताकि उनकी इस दुख का किसी थोड़ा बहुत फदावा हो सके। अल्लाह ताला आप हज़रात को ज़्यादा खैर अता फरमाए। ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم النداء يا رجاء Yeah।